दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल गया। बारिश की वजह से जहां कई दिनों से चले आ रहे उमस का माहौल खत्म हो गया और तापमान में भी कमी आई, वहीं रात भर से हो रही बारिश के कारण दिल्ली में जगह जगह जलजमाव की समस्या देखने को मिली है। वहीं इन सब के बीच भारतीय मौसम विभाग ने एक खुशखबरी भी सुनाई है। खुशखबरी ये है कि मानसून रिटर्न्स के पिछले 24 घंटे की बरसात ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। दरअसल राजधानी दिल्ली की सफदरजंग वेधशाला के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान यानी शनिवार सुबह 8:30 बजे तक दिल्ली में 138.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यह अगस्त महीने में किसी भी एक दिन में हुई सबसे ज़्यादा बारिश है और इसके साथ साथ इस बारिश ने 60 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इससे पहले अगस्त महीने में एक दिन का सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड 2 अगस्त 1961 के नाम है, जब दिल्ली में 184 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। हालांकि भारी बारिश के साथ बिजली की तेज गड़गड़ाहट यह संकेत दे रही है कि यह बारिश फिलहाल थमने वाली नहीं है। वहीं लगातार 4 से 5 घंटों की यह बारिश के कारण सुबह तापमान गिरकर 27 डिग्री सेल्सियस रह गया है। तेज बारिश के बाद मुकरबा चौक से लेकर अलीपुर तक 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। जाम में फंसी हजारों गाड़ियां तेज बारिश की वजह से रेंग रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।